नर्मदापुरम जिले की सिबनी मालवा के तहसील कार्यालय में बुधवार दोपहर को तहसील के अधिकारियों के सामने एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। दरअसल एक बंदर के बच्चे की मौत के बाद बंदरों ने तहसील कार्यालय में आने वाले लोगों की नाक में दम कर दिया। बंदर आने जाने वाले लोगों को मारने के लिए दौड़ रहे थे। कई घंटों के खींचतान के बाद बंदर के बच्चे के शव को रास्ते से हटाया जा सका। पूरा मामला सिबनी मालवा के तहसील कार्यालय का है, जहां कार्यालय परिसर में लगी बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर से करंट लगने से बंदर के बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद क्या था, क्षेत्र के सभी बंदरों का झुंड वहां पहुंच गया। स्थिति काफी दुखद हो गई। बंदरों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज से तहसील अपना काम कराने आए लोगों के नाक में दम हो गया। बंदर के बच्चे का शव रास्ते के बीचों बीच होने की वजह से आवागमन भी रुक गया। तहसील कार्यालय से अधिकारियों के द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आधे घंटे की मशक्कत के बाद बंदर के बच्चे के शव को ले जा सके। शव ले जाने के बाद भी बंदर कुछ देर तक तहसील कार्यालय में तांडव मचाते रहे। इस बीच ग्रामीण क्षेत्र से आए युवक के साथ बंदरों ने झूमा झटकी भी की। वहीं कुछ देर के हंगामे के बाद सभी बंदर वहां से भाग गए। सिवनी मालवा के तहसील कार्यालय में आज एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। दरअसल तहसील कार्यालय में लगे ट्रांसफार्मर से टकराकर करंट लगने से एक बंदर के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद शहर के सारे बंदरों का झुंड तहसील कार्यालय में इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे करके बंदरों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जो भी व्यक्ति तहसील कार्यालय में अपना काम कराने आता, बंदरों का झुंड उन पर हमला कर देता। बंदरों से परेशान होकर तहसील कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आधा घंटे की मशक्कत के बाद बंदर के शव को उठाने में कामयाब हुए।